आंधी में भी दिए जला करते हैं, कांटों में ही गुलाब खिला करते हैं, खुश नसीब होती है वो शाम जिसमें आप जैसे लोग मिला करते हैं, जाने खुश नसीब होती है वो शाम जिसमें आप जैसे लोग मिला करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। हाँ, लेट शुरू कर रहे हैं आज का ब्लॉग, बिकॉज सुबह मैं उठा लेट, 10:30-11 बजे उठा। उसके बाद मेरी वीडियो एडिट करने वाली पड़ी थी, निधि के चैनल के लिए वीडियो एडिट करने वाली पड़ी थी, वो दोनों करी। बिकॉज यार रात को मैं इतना ज़्यादा थक गया था तो रात को नहीं कर पाया था। नॉर्मली मैं रात को ही कर लेता हूँ, लेकिन नहीं कर पाया। और सुबह उठ के करी, फिर मैं नहाया धोया एंड खाना खुना खाया, अब फ्री हुआ हूँ। 3:30 बज गए हैं, मैंने सोचा चलो अब व्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेते, थोड़ा बहुत है ना। ध्यान से जाइयो, कल ना गई इतनी सीढ़ियों से ये नीचे आ रही थी टेरिस से। थोड़ा सा जब शाम होती है ना, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है तो पता नहीं लगता। तो कल जब ये यहाँ से आ रही थी ना, यहाँ से ये वाली सीढ़ी से जब उतरने लगी, तो इसका पैर अटक गया और फोन सीधा नीचे। शुक्र मानो कि मेरे हाथ में मेरा फोन था, वरना मेरे हाथ में जतिन का फोन होता, जतिन का फोन टूटता ना। अगर सही बात है, बट कोई बात नहीं गाइस, मेरे लिए नया आ जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। चल आगे चल, आगे चल। हम लोग ऊपर आए थे कि मैं धूप सेक लूंगा, बिकॉज डॉक्टर ने कहा है कि धूप सेकना बंद करे यार। डॉक्टर ने बोला था कि धूप सेकना बहुत जरूरी है, लेकिन ये महारानी अपनी रील्स लेके बैठी हुई है। और यहाँ पे किस्मत ऐसी है, कभी 1 मिनट के लिए धूप आती है और 10 मिनट के लिए गायब हो जाती है। और एक ऊपर से मेरा मूड इतना ख़राब हुआ पड़ा है ना, किसी बंदे ने मेरा मूड इतना ख़राब कर दिया है, मतलब ना मेरी फोटो अच्छी आ रही है, ना मेरी वीडियोज़ बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है यार। कहाँ पे बना रही है? नाटी पे। क्या हुआ? आंटी देख रही थी ऊपर से। चलो दोबारा। कहाँ ऊपर चले गए? हाँ तो क्या हो गया? गाइस, हमेशा की तरह मैंने बना लिया है शेक जतिन के लिए। ये वैसे एक मस्के के लिए भी बनाया मैंने, क्योंकि मुझको फोन चाहिए, तो शायद अगर मैं उनको प्यार से शेक पिलाऊंगी तो क्या पता वो बोल दे कि हम इसके लिए फोन ले दूंगा। बाकी चलो शेक ले जाते जतिन के लिए। चलो फिर चलते हैं। लो, हमेशा की तरह मैंने आपके लिए शेक बनाया। आज मैंने शेक ना बहुत टेस्टी बनाया, यू नो। पता है आज मैंने शेक बहुत टेस्टी बनाया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, व्लॉग बाद में देख लेना। पता है? एक गुड न्यूज़ दूँ? आपको दूँ? पहले मैं दूँ? हाँ। गुड न्यूज़ ये है कि आप मेरे लिए फोन लेने वाले हो, ये है ना? काम मगर जाओगे। आपको पता है मेरा फोन टूट गया है और वो बिल्कुल अगले साल लवाऊंगा जी। अगले साल क्या फायदा शेक देने का? पता है आज मैंने पता नहीं थी खर्चा कितना हो चुका है। तो मैं गुड न्यूज़ ये दे रहा था, नीचे का थोड़ा सा मेरे को देखने। तो गाइज, हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वो आने वाला है जल्दी, बिकॉज आज सुबह मेरे को यूट्यूब से मेल आ गई है और काम शुरू हो गया है हमारा, बन रहा है। मतलब ऐसा कुछ मेल आया कि आज से कस्टमाइज हो गया है, शुरू हो जाएगा एंड 2 या 3 वीक के अंदर अंदर हमारे एड्रेस पे पहुंच जाएगा। मतलब मैंने लुधियाना वाला एड्रेस दिया है, वहाँ पहुँचेगा वो। तो आपने मेरे को तो बताई नहीं ये बात। सुबह करा था मैंने अप्लाई करना पड़ता है गाइज सिल्वर प्ले बटन के लिए, तो मैंने सुबह कर दिया था, सुबह उठते ही मैं बताना भूल गया तेरे को। अच्छा बना ना शेक आज, टाइट टाइट गड़ा गड़ा। ठीक है, तो फिर फोन डन। कौन सा फोन? मेरे लिए न्यू आईफोन। कौन हो तुम बताओ? आप 11 लेने वाले हो कि 12 लेने वाले हो? पति को खुद 11 है। पति को 11 है तो पत्नी को 12 होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। जब तो मेरा फोन टूट गया, अब तो होना ही चाहिए ना। पुच्चा पुच्चा मार, गंद पे आया हुआ हो, काम कर। ओ शट अप। भाई देखो ये कर रही है चद्दर सेट, और इसने मेरे को देखो कैसे पकड़ी हुई मैंने। क्या है ये गाइस? ये ना कूड़ा देख लो, यहाँ पे ना बालकनी में इसने अलग से रखा हुआ है। ये मैंने रखा नहीं है। हाँ। वो मैं बालकनी में जब खाने आती हूँ ना, तो मैं वो सारा इसमें डाल देती हूँ खाने के बाद। तो इसको बाहर डस्टबिन में रखना होता है, ताकि जो 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 कूड़ा लेके जाते हैं भैया, वो लेके जाए इसको हर सुबह। चल उधर जाने दे, फुल डस्टबिन। तो ये ऐसे रख दूंगा ना, यही रहने। नहीं, ये डब्बा लगेगा काम में, बालकनी में आके फिर से खाना होता है तो खाली हो जाएगा ना डब्बा। भैया तो ना डब्बा लेके जाएंगे, लिख के रख दे, लिख के रख देंगे ना कि डब्बा ना लेके जाना। नहीं।
जतिन ने सो के तो उठना है नहीं जल्दी, सो के उठ के बोल देना भैया को कि इसको मत लेके जाए। ठीक है प्लीज डब्बा ना लेके जाए। ठीक है जी, ऐसे इसको रख देंगे ना फिर वहां पे। बेटे अगर ये डब्बा वहां नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, कल जब मैं आऊंगी अगर डब्बा ना हुआ तब आपकी देख लो गाइस, अभी भी चानन है मतलब बाहर, लेकिन इस टाइम पे ना यहाँ पे अगर हम लाइट बंद कर दें पूरा अंधेरा हो जाता है। तो कल इसी टाइम जब वापस आ रहे थे नीचे तो इसने अपना फोन का कबाड़ा कर दिया, लूडो भी आ गई, लूडो बाहर से मारिए और ये डब्बा बाहर छोड़ के आ गया। अगर डब्बा नहीं हुआ ना कल वहाँ पे, ले आया हूँ मैं तब डब्बे में लिखा क्यों अगर लेकर आए। मुझे क्या पता था डस्टबिन खाली है कि भरा हुआ, आपने बोला कि डस्टबिन खाली है, बोला कि नहीं बताओ। हाँ जी मैंने बोला। ये एक लूडो, हाँ लूडो, ओके बाय। खुश हो रही है? खुश नहीं हो रही, मुझे गुस्सा है। दिखा वो जो दिखा रही थी अभी। गाइज एक ना मेरे इंस्टाग्राम के फैन पेज ने ना हमारे व्लॉग में से कोई स्क्रीनशॉट लेके वो डाला था इंस्टा पे, और मेरे को ये बोल रही बड़े अजीब लोग, मैंने कहा अजीब नहीं उसे क्यूटनेस बोलते हैं, कह रही मोटे भी बहुत लग रहे हो। मोटा तो मैं बहुत लग रहा हूँ, यहाँ पे क्यूट लग रहे हो, क्यूट बंदा क्यूट ही लगेगा। गाइज लिटरली इसने ना दोपहर से खाना नहीं खाया है क्योंकि ये जिद पे अड़ी हुई है कि मेरे को फोन लेके दो, फोन लेके दो। देखो भाई नया तो मैं नहीं लेके दे सकता, हमारी जेब इतना नहीं कह रही है कि नया लेके दो। मेरा आपको पता है काम नहीं कर रहा। हाँ मैं मानता हूँ काम नहीं कर रहा है, तो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी थी दोपहर में फोन के बारे में, अभी उसको फोन लगा के मैं पूछ लेता हूँ। तो मैं पुराना मतलब पुराने के लिए पूछा था, 8+ का सोच रहे हैं कि 8+ ले लें क्योंकि बजट में तो अभी वही आएगा पुराना। शंकर संकट हरे। हेलो हेलो, एक मिनट होल्ड करिए, ठीक है। हाँ जी फोन का पता कितना? ओहो दिमाग से निकल गया, कल का 8+ 64 GB है ना? हाँ 8+ भी पता कर ले और एक्सेस मैक्स भी पता कर, एक्स तीन तीन पता करी, एक 8+ एक एक्स एक एक्सेस मैक्स, ठीक है ठीक है। हुनी करी मैंने फोन, ओके ओके माइंड मत करना, हम ऐसे ही है यार, ठीक है। बच्चे बन के रहने में बहुत मजा आता है, जिनको बच्चे बन के रहने में मजा आता है ना वो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। खुश अब? या शुक्र है, पर कुरियर करना पड़ेगा। हाँ गाइस बिकॉज हम शिमला से नहीं ले रहे हैं, लुधियाना से ले रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे प्राइजेस और लुधियाना के प्राइजेस में बड़ा ज्यादा अंतर है यार। यहाँ तो लूट मची पड़ी है, यहाँ पे अंतर तो है ही अंतर। अच्छा हिंदी मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या हो गया यार, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी पंजाबी मेरी माँ बोली, मेरी पंजाबी है, सिद्धी जी गल आती। तो आज बड़े दिनों के बाद, लगभग एक महीने के बाद निधि मेरे फेस की मालिश कर रही है, स्क्रबिंग बोलते हैं, स्क्रबिंग मालिश वही हो गया उससे ही। क्या होता है इससे? इससे हमारी एक्ने की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स सॉरी एक्ने और ब्लैक हेड्स ज़रा जो रिमूव हो जाता है। अच्छा तो गाइस नाई के पास तो जा नहीं सकते, पर मेरे फेस पे ना बड़े वाल आ गए हैं, ये मैं निकलवाता हूँ जब कटिंग करवाने जाता हूँ वैसे, बट अभी निधि कह रही मैं निकाल दूंगी, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ के जो बाल थे सारे निकाल दिए और मैंने यहाँ से भी थोड़े थोड़े निकलवा लिए ताकि थोड़ा साफ लगे, बिकॉज बीएड की वजह से ना बहुत ज़्यादा फेस काला लग रहा था मेरा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, साफ साफ लग रहा है मेरा फेस और खुद को भी अच्छा फील हो रहा है यार। सूप बना देना, क्या कर रही है पता नहीं, किसके साथ चैट करी जा रही है, करे जा रही है कुछ काम की रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अरे सूप बना दे। और हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारा वो कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर है बर्फ की सिल्ली, ठीक है। थैंक यू, आपने बताया कि मैंने आपकी आज, हाँ बता दिया मैंने, कटिंग शटिंग कर दी, वो क्लिप से भी देख ली उन्होंने। और गाइस इधर देखो, इसमें यहाँ पे जे लगा दिया, यहाँ पे देखो, मैं वैसे एन लिखने वाली थी लेकिन एन लिखा नहीं जा रहा था तो जे, मैं सोच रहा था भी क्लीन शेव कर दूं पर इतना पता नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं।
तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा व्लॉग, एंड शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो फैमिली के बने होते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना मत भूलना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ओ बाय द वे मम्मी की कॉल आई हुई थी इसलिए पीछे से आवाज आ रही है, ये देखो मम्मी से बात कर रहा था।